अपनी जवान धड़कनों को अल्लाह की राह पे लगा देना और जवानी में उसके दीन की अताअत को कबूल करना, जवानी में उसकी अता की हुई तहजीब, उसकी अता की हुई सकाफत की मुहाफिजत की जिम्मेदारी ले लेना। कहा यह शेवा है पैगंबरी, यह अंबिया की सुन्नत है, यह पैगंबरों का शेवा है। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام معزز و محترم بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی اس تحریک اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چل کے اس معاشرہ انسانی کی خاطر، فلاح و بقائے بنی نوع انسان کی خاطر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آفاقی اور ابدی پیغام عامۃ الناس تک پہنچانے کی خاطر پاکستان کے طول و عرض میں بھی اور دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر یہ جماعت اور یہ تحریک اپنا پیغام پہنچا رہی ہے، تاکہ آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اور آج ہم جن پریشانیوں کا شکار ہیں اور آج جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کا کس طریقے سے سامنا کریں اور بطور فرد کے اس معاشرے کے اندر ہماری بنیادی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ بطور فرد کے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، تو پھر ہمیں ایک بنیادی بات کی طرف پلٹنا پڑتا ہے۔ اس مرحلے پہ ٹھہر کے، یہاں پہ رک کے ایک بنیادی تصور اپنے سامنے واضح کرنا پڑتا ہے کہ جسے ہم ایک لمحے کے لیے رک کے، ہمیں یہ بنیادی سوال اپنے سامنے واضح کرنا پڑتا ہے کہ ہماری وہ ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہم اپنے زوال یا اپنے کمال، اپنی ترقی یا اپنی پستی کا تجزیہ کیسے کریں کہ آیا کہ ہم واقعتاً ترقی میں جا رہے ہیں یا آیا کہ ہم زوال کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے سے ہم اس بات کو پرکھیں گے؟
वो कौन सा मेयार है जिस मेयार के ऊपर हम इस बात को तोल के देखेंगे कि हमारा सफर किस सिमत को हो रहा है। तो उसके लिए दुनिया ने और दीन ने एक मायार मुकरर किया है कि आप जब अपने कमाल या अपने जवाल को जांचना चाहें तो उसके लिए लाजिम होता है कि आप अपनी बुनियाद और अपने बुनियादी दस्तूर की तरफ देखें, अपने बुनियादी आईन और अपने बुनियादी कानून की तरफ देखें जिसके ऊपर आपकी उठान है, जिसके ऊपर आपकी बुनियादें कायम हैं, और उस दस्तूर को अपने सामने रख के आप अपना और उस दस्तूर का कंपैरिजन करें, अपना और अपने उस कानून और उस मंशूर का मुआजना करें कि क्या आपने अपने आप को उस दस्तूर और उस मंशूर के मुताबिक पूरी तरह ढाल दिया है जिसकी खातिर के आपको मुआशरे के अंदर एक अलग बुनियाद और एक अलग हैसियत मिलती है। वो कानून अपनी नजरों के सामने रख के आप ये फैसला करेंगे कि हमारा सफर किस जानिब हो रहा है। यहां से एक दो मिसालें वाज़े करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक मिसाल हम इसकी यहां से भी ले सकते हैं कि पहली जंगे अजीम के इख्तिताम पे दुनिया की बड़ी अकवाम ने मिलकर एक बहुत बड़ी तंजीम बनाई जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था। उसका एक मंशूर बना, उसका एक दस्तूर बना, और यह लाजिम तय पाया कि वो उस मंशूर और उस दस्तूर के मुताबिक दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब वो अपने दस्तूर और अपने मंशूर के मुताबिक दुनिया के अंदर अपने फैसलों को न मनवा सकी तो उसके नतीजे में दूसरी जंगे अजीम हुई और दूसरी जंगे अजीम के नतीजे में लीग ऑफ नेशंस टूट गई। इसलिए कि वो अपने बुनियादी मंशूर और अपने बुनियादी आईन और जिस बात के ऊपर उसकी बुनियाद थी उसको पूरा न कर सकी। फिर अक्वामे मुत्तहिदा बनी, यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस ने एक बैनुल अक्वामी दस्तूर दिया, एक आलमी चार्टर दिया, और उस चार्टर के तहत यह कहा गया कि अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस इस बात की पाबंद होगी कि इस दस्तूर और इस चार्टर के मुताबिक चले। अब अक्वामे मुत्तहिदा अगर किसी भी मुकाम पे अपने चार्टर से मुनहरिफ होती है, उसका चार्टर पूरी तरह पूरा नहीं होता, अमली तौर पे वो नाफिजुल अमल नहीं होता, और मुआजने के अंदर जब अक्वामे मुत्तहिदा और अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर को आमने सामने रख के उनका तजजिया किया जाए तो अक्वामे मुत्तहिदा अपने चार्टर से दूर खड़ी हुई नजर आए तो इसका मतलब यह होगा कि अक्वामे मुत्तहिदा पस्ती की तरफ जा रही है, अक्वामे मुत्तहिदा जवाल की तरफ जा रही है, और अक्वामे मुत्तहिदा डेवलपमेंट या तरक्की की तरफ नहीं जा रही। इसी तरीके से 1969 में जब अक्सा फायर हुआ, मस्जिद अक्सा को जलाया गया फलस्तीन में, तो उसके रिएक्शन में मुसलमानों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। उसका एक दस्तूर बना, उसका एक मंशूर बना। अब आज आप जब OIC की कारकर्दगी को जांचना चाहते हैं, OIC के कमाल या उसके जवाल को, उसकी तरक्की या उसकी पस्ती को, उसके अरूज या उसकी जिल्लत को आप देखना चाहते हैं, तो आप OIC का चार्टर सामने रखेंगे कि OIC का इसके चार्टर के साथ क्या मुआजना है। अगर वो अपने चार्टर के साथ अपने मुआजने में पूरी उतरती है
तो इसका मतलब है ओआईसी ठीक जा रही है, लेकिन ओआईसी चूंकि अपने चार्टर से पूरी तरह हट चुकी है, लिहाजा ओआईसी एक नाकाम तंजीम के तौर पे सामने आई है। यह मिसाल मैंने इसलिए वाजे की है कि दुनिया के सामने ये एक तयशुदा फार्मूला है, दुनिया का यह एक तयशुदा कानून है कि आप किसी भी चीज के जवाल को या उसकी तरक्की को, उसके अरूज को या उसकी पस्ती को नापना चाहेंगे तो जिस बात पे, जिस चार्टर पे वो अपनी बुनियाद रखती है, उस चार्टर को, उस बुनियाद को आप उसके सामने रख के उसका कंपैरिजन करेंगे और फिर ये देखेंगे कि अगर वो उस चार्टर के मुताबिक है तो इसका मतलब है वो तरक्की की तरफ जा रही है, अगर वो उस चार्टर के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब है वो जवाल की तरफ जा रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि जब हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, एक मुसलमान उम्मत होने का दावा करते हैं, एक मुसलमान कौम होने का दावा करते हैं, तो हमारे सामने वो बुनियादी चार्टर क्या है, हमारे सामने वो बुनियादी कानून क्या है जिस चार्टर के साथ, जिस कानून के साथ, जिस दस्तूर के साथ, जिस मंशूर के साथ हम अपने इस्लामी मुआशरे का, हम अपनी इस्लामी इकदार का और हम अपनी मुसलमानियत का मुवाजना करेंगे, उसका जायजा लेके हम ये फैसला करेंगे आया कि हम बतौर मुसलमान अरूज की तरफ जा रहे हैं या हम बतौर मुसलमान जवाल की तरफ जा रहे हैं। जब हम उस कानून को देखते हैं, हमारा वो चार्टर क्या है, हमारा वो कानून क्या है जिसके ऊपर हमारी बुनियादें कायम हैं, जिसके ऊपर हमारे मुआशरे की तामीर होती है, तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैनि, मैं तुम्हारे अंदर दो बुनियादें छोड़े जा रहा हूं। फरमाया के लन तदिल्लु मा तमस्सक तुम बिहिमा, ए मेरी कौम, ए मेरी उम्मत, ए मुसलमानाने आलम, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकोगे, तुम कभी भी जवाल का शिकार नहीं हो सकोगे, तुम कभी भी बस्ती में नहीं जा सकोगे, तुम कभी भी तारीकियों में नहीं जा सकोगे अगर उन दो बुनियादी बातों को थाम के खड़े हो जाओगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो बुनियादी बातें क्या हैं, वो दो बुनियादी जाब्ते क्या हैं, वो दो बुनियादी दस्तूर क्या हैं जिनको थाम के, जिनको पकड़ के, जिनसे अपने दामन को वाबस्ता करके हम कभी जवाल का शिकार नहीं हो सकेंगे। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलही, वो अल्लाह की किताब है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज जब हम अपने आप का जायजा लें कि बतौर मुसलमान के और बतौर इस्लामी मुआशरे के क्या हम जवाल में हैं या हम तरक्की में हैं, तो उसके लिए हमें अपना मुवाजना, अपना कंपैरिजन, अपना तकाबली जायजा, अपना तकाबुल वो कुरान और सुन्नत से करना है कि बतौर फर्द के और बतौर मुआशरे के हमारा कुरान हमें क्या कह रहा है और आज हम कहां पे खड़े हैं। इस बात पे हमारे जवाल और हमारे कमाल का फैसला होगा। ये पैमाना है हमारा अपना आप, अपना मुआशरा परखने के लिए। और अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े आकामात कुरान पाक में फरमा दिए कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, तुम्हारे लिए खूब क्या है और तुम्हारे लिए नाखूब क्या है। कुरान करीम हमें बताता है अल्लाह ताला का फरमान وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ। किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत को यह इख्तियार हासिल नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमर मुकर्रर कर दें, वो कोई फैसला फरमा दें, तो फिर उसके बाद वो उस फैसले के अंदर अपना भी कोई इख्तियार समझें। कुरान कहता है कि मोमिनीन को, वो चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं,
उनको यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए फैसलों से मुनहरिफ हों, वो उनके अंदर तब्दीली का कोई इख्तियार समझें, ऐसा नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, अगर किसी ने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से रूगर्दानी की, कोई अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से मुनहरिफ हुआ, फरमाया फकद दल्ला दलालम मुबीना, समझ लो तहकीक से बात है, बिला शक व बिला शुबा ये बात है, फकद दल्ला दलालम मुबीना, वो शख्स एक खुली वाजे और सरी गुमराही के अंदर मुबतला है। इसलिए हमें अपना आप कुरान पाक से कंपेयर करके देखना है कि कुरान हमें क्या कहता है और हम कहां पे खड़े हैं। और जब कुरान से हम अपना मुआवजा करते हैं, जब कुरान से हम अपना मुआवजा करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका उसका अवामिर को देखने का है और दूसरा उसका तरीका उसकी नवाही को देखने का है। एक तरीका यह देखने का है, अपना मुआजना अपना तकाबली जायजा कुरान से करने का यह तरीका है कि हम यह देखें कि कुरान हमें कौन सा काम करने का हुक्म करता है और कौन सा रास्ता इख्तियार करने का हुक्म करता है, और उसमें हम अपने आप को यहां पे जांचें कि क्या हम कुरान के उन अहकामात के ऊपर पूरी तरह से अमल पैरा हैं जिनका हुक्म हमें दिया गया। और दूसरा तरीका जो नवाही का है, नहीं का है, नहीं अनिल मुनकर का है, वो ये है कि हम ये देखें कि कुरान हमें जिस चीज से मना करता है, कुरान हमें जिस चीज से रोकता है, क्या हम वाकयातन उस चीज से रुक गए हैं। तो इससे हमारे ऊपर वाजे हो जाएगा कि कुरान का अमर क्या है और हम कहां पे खड़े हैं, और कुरान ने किस चीज से मना किया है और हम कहां पे खड़े हैं। अब अमर के ऊपर इससे पहले एक सेशन में बड़ी तफसीली ये बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला के अवामिर क्या हैं, अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं। बेशुमार अहकामात हैं, अल्लाह ताला ने हमें जाहिर और बातिन, जिस्म अकल और रूह की पाकीजगी का हुक्म किया, उसके तजकिये का हुक्म किया। अल्लाह ताला ने हमें अपनी खशियत इख्तियार करने का हुक्म किया कि उसका खौफ और उसकी खशियत को इख्तियार किया जाए। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में फिक्र, तफक्कुर और तदब्बुर इख्तियार करने का हुक्म किया। अल्लाह ताला ने हमें अपनी मखलूक में चल फिर के, अपने बंदों में, अपनी मखलूक के अंदर अपनी दावत देने का हुक्म किया कि जाओ जमीन में चल फिर के लोगों को मेरी जात की तरफ दावत दो, लोगों को मेरी जात की तरफ बुलाओ, लोगों को मेरी तरफ रागिब करो। फिर अल्लाह ताला ने हमें अहलुल्लाह की मजलिस इख्तियार करने का हुक्म किया, अपने महबूब, अपने बरगुजीदा और अपने प्यारे बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म किया। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हमें वालिदैन का एहतराम करने का हुक्म किया, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आने का हुक्म किया, उनके आदाब उनके हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म किया। और फिर जब ये सारी बातें मुकम्मल हो जाएं, यानी जब तुम में इनकसारी भी आ जाए, जब तुम जिक्रुल्ला भी कायम कर चुको, जब तुम्हारा तजकिया भी हो जाए,
जब तुम खशियत भी इख्तियार कर लो, जब तुम कुरान में गौर तदब्बर और गौर फिक्र शुरू करके उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दो, जब तुम अल्लाह की दावत को लेके उसके बंदों के पास भी जाना शुरू हो जाओ, जब तुम अहलुल्लाह की मजलिस भी इख्तियार कर लो, और जब तुम अपने माबेन अपने वालिदैन के हुकूक और उनके आदाब को भी कायम कर लो, तो फिर फरमाया कि फिर तुम्हारे ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि मेरे दीन के निफाज की अमली जद्दोजहद अपनी जमीन के अंदर अपने मुआशरे के अंदर शुरू करो, ताकि मेरे कुरान, मेरे दिए हुए दस्तूर, मेरे दिए हुए कानून, मेरे बनाए हुए आईन के मुताबिक इस कायनात के अंदर, इस जमीन के अंदर फैसले हों। ये तो हैं अवामिर। नवाही क्या है? अल्लाह ताला ने हमें बतौर मुसलमान के हमारी सकाफत के अज्जा क्या बना दिए कि तुम्हारे लिए लाजिम है कि इन अज्जा को इख्तियार करो अपने माबेन मुसावात, इंसाफ और अदल को कायम करने के लिए, अपने माबेन अमन और इस्तेकाम को कायम करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें किन उमूर से मना किया? अल्लाह ताला ने हमें तफरकाबाजी से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें इत्तबाए शैतान से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें जीनत दुनिया के फरेब में मुबतला हो जाने से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें चोरी से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें जिना से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें तकब्बुर से मना किया। अल्लाह ताला ने हमें नस्ली तफाखुर से मना किया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम कबूतर की तरह अगर खुद ही आंखें बंद करके बैठ जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन किताब हिदायत के सामने क्या हम अपने आप को खड़ा करने के काबिल हैं कि कुरान ने हमें जो आकामात दिए हम उनके सामने अपने आप को उस तराजू में रख के तोलें कि क्या हम कुरान के उन आकामात के मुताबिक पूरा उतरते हैं? और एक असूल याद रख लें, बिलखसूस मेरे नौजवान भाई और मेरे नौजवान साथी,